नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, वीडियो में डिस्कस करेंगे ईगल्स वर्सेस पैंथर्स के बीच जो होगा केसीए प्रेसिडेंट कप T20 का आज का दिन का पहला मैच। गाइस, इसके बाद सेकेंड केसीए T20 के मैचेस होंगे और उसके बाद ईसीसी का 4 मैच होगा, मतलब यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप। हम लोग एक्सक्लूसिव कवरेज लाएंगे ईसीसी के मैचेस का, साथ ही साथ डेमो टीम फाइनल अपडेट कहाँ पे मिलेगा, मिलेगा टेलीग्राम पे। तो फटाफट ये छोटा सा वीडियो आप रिव्यू करो, अच्छे से समझो इस मैच में क्या कुछ हो सकता है और उसके बाद जुड़ जाना टेलीग्राम, क्योंकि जो फाइनल अपडेट डेमो टीम होगा, मैं सिर्फ इस मैच का और सीरीज का बात नहीं कर रहा हूँ, अगला सीरीज ईसीसी और उसके बाद भी एसोसिएट्स इंटरनेशनल मैचेस का अपडेट, एक्सचेंज 22 के पिक्स और कुबेरा के 2 पिक्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो जुड़ जाना टेलीग्राम, इसके लिए डिस्क्रिप्शन वाला लिंक यूज़ करो, आई थिंक सेफ होगा, इजी होगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन वाले ब्लू लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हो और चाहो तो सर्च कर सकते हो @ लगा के टीम्स एफडे, किसी भी पोजीशन से आप ज्वाइन हो जाओ, बट मैं प्रेफर करूंगा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन होकर रखना फॉर फ्यूचर अपडेट, फॉर फाइनल अपडेट। इस मैच के एनालिसिस में आता हूं। 9 बजे इंडियन टाइम मैच स्टार्ट होगा, 150 रन एवरेज को देखो, 150 भी चेजेबल है, रन अच्छे खासे बन रहे, बट एक चीज़ क्या है, मिडल ओवर्स में थोड़ा सा स्लो क्रिकेट, खास करके जो इनके स्पिनर्स हैं उनको भी हेल्प मिल रहा है, तो एक आइडियल बैटिंग ट्रैक है, बट समहाउ थोड़ा सा जो कटर बॉलर है उनको थोड़ा हेल्प ज़्यादा मिलता है। ईगल से अगर ध्यान दोगे, इनका बैटिंग अटैक अगर अच्छे से देखोगे तो सचिन बेबी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है, जो कंसिस्टेंट स्कोरर है। कैप्टन वाइस कैप्टन पीके लास्ट मैच में फाइनली एक ओवर डाले, गाइस आपको दिखेगा फ्यूचर में ये शायद 2 से 3 ओवर डाल दो है। बाकी गाइस इनका बैट्समैन से जो बड़ा स्कोर करने वाला एक बैट्समैन कोई भी ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा है, एक्सेप्ट सचिन बेबी, और उसके बाद मेरे हिसाब से कृष्णा प्रसाद लास्ट मैच में खेला था, अच्छा 50 रन का नॉक था, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था ये बंदा अगर खेलता है आपके टीम में होना चाहिए, बढ़िया प्लेयर है, तो गाइस ये अगर खेलता है कृष्णा पांडे तो होना चाहिए। इस टीम से 2 ही अच्छे बैट्समैन मुझे लग रहे हैं, सचिन बेबी और कृष्णा पांडे। हाँ, बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो फाजुल फानूस को यूज़ कर सकते हो, वैशक चंद्रन दोनों कंडीशन में यूज़ कर लेना, के मसिफ को आपको दोनों कंडीशन में रखना है, बट बॉल फर्स्ट कैप भी सी बना सकते हो, स्ट्रेट लेवल प्लेयर है और अथुल रविंद्रन का कंसिस्टेंट स्कोर है गाइस, तो बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टन पिक रहेगा अथुल रविंद्रन तो, और टीम में तो रखना ही पड़ेगा। ओपनिंग बॉलिंग के एम आसिफ, फाजुल फानूस, वी चंद्रन, डेथ में के एम आसिफ, अखिल के जी, फाजुल फानूस, गाइस ये इनके पास के रिकॉर्ड है, आप रिव्यू कर सकते हो। जो सचिन में भी लास्ट सीजन में अच्छा खासा बॉलिंग कराया था, इस सीजन में अब तक ज़्यादा बॉलिंग कराया नहीं है। बाकी इनका बैटिंग यूनिट से अगर देखोगे तो अभिराम सीएच कुछ हद तक ठीक ठाक प्लेयर है, इनको अपनी टीम में रखना, बाकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बैटिंग यूनिट है नहीं। हाँ, आदित्य विनोद अगर खेलता है तो बॉल फर्स्ट ले लेना, क्योंकि राइट एम मीडियम कराते हैं, डेथ में आ सकते हैं। फाजुल फनूस बॉल फर्स्ट सिर्फ ट्राई करना, सेकेंड इनिंग्स में ड्रॉप कर सकते हो आप आराम से। दोस्तों, पैंथर्स से अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका बैटिंग से जॉफिन जोस बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, अक्षय चंद्रन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट प्लेयर है, विष्णु राज ने भी लास्ट मैच में अच्छा खेला था, तो ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगा इस टीम से, बट मैं ना इनको अपना टीम में सेफ कैप्टन नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखो बहुत अच्छे से देखोगे और लास्ट ईयर का रिकॉर्ड भी देखोगे ना जॉफिन जोस का, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा इनका लास्ट ईयर में इन्होंने क्या किया था। 8 मैच में इन्होंने सिर्फ 13 का एवरेज, 103 रन बनाया था, 16 ओवर में 5 विकेट, मतलब उतना भी खास पिक नहीं है जितना जनता इनको फर्स्ट मैच के बाद कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहा था। तो मेरे हिसाब से विष्णु राज, अक्षय चंद्रन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जॉफिन जोस रहेगा, फिर वत्सल गोविंद भी खराब पिक नहीं है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अखिल स्कार्सिया का कंसिस्टेंट विकेटिंग एबिलिटी है, खास करके बॉल फर्स्ट अखिल स्कार्सिया डेफिनेटली मस्ट पिक, क्योंकि डेथ ओवर में आ जाते हैं। बसील बॉल फर्स्ट मस्ट पिक है, और आपको अगर डिफरेंशियल लेना है तो पवन राज को बॉल फर्स्ट ले सकते हो, विष्णु पी कुमार को अगर डिफरेंशियल लेना है तो सेकंड इनिंग्स में जरूर ट्राई कर सकते हो। ओपनिंग बॉलिंग कौन है, अखिल स्कासिया, बसील एनपी, पवन राज, डेथ में बसील एनपी, अखिल स्कासिया, विष्णु और पवन करते हो आपको दिख सकते हैं। दोस्तों, ये इनके पास के रिकॉर्ड है, जहाँ से रोहन कुंडुमाल जब से खेलेंगे तब से हमको रखना पड़ेगा, ये स्टेट लेवल प्लेयर है। रेस्ट गाइस वत्सल गोविंद, जिनका लास्ट मैच सीजन में 4 मैच में 91 रन था, प्लेयर अच्छा है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं हम लोग अपनी टीम में। अखिल स्कासिया बॉल फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, अक्षय चंद्रन लास्ट सीजन में 6 मैच में 9 विकेट एंड 94 रन, डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन पीक है। बसील एनपी लास्ट सीजन में 6 मैच में 9 विकेट, मेरे हिसाब से तो मस्ट पीक है, और बॉल फर्स्ट कैप भी से आप बना सकते हो इनको अपनी टीम में।
दोस्तों ये रहेगा फिलहाल मेरा टीम, जहाँ पे सचिन बेबी कैप्टन है, वीसी अक्षय चंद्रन, हमारे पास है अखिल स्कासिया, अतुल रविंद्रन, जॉफिन जोस को ड्रॉप रोटेट कर सकते हो, बट फिलहाल मैंने रख लिया क्योंकि बैट बॉल दोनों से पॉइंट दे सकता है। के मासिफ, एन पी बसिल, वी चंद्रन है हमारे पास, ऊपर से वसिल, गोविंद, अखिल गेजी। दोस्तों ये रहेगा फिलहाल मेरा टीम, कोई भी और अपडेट होगा, फाइनल अपडेट और चेंजेस, खास करके ईसीसी के मैचेस के अपडेट एंड मोटिव मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, तो जुड़ जाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पे।